News 18, India. इस वक्त की एक बेहद अहम और बड़ी खबर आ रही है। एक नया रिकॉर्ड बनाएंगे, नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री होंगे, बिहार के दोबारा मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। सूत्रों के हवाले से आ रही है एक बेहद अहम खबर। और सहयोगी दल बीजेपी के दो उप मुख्यमंत्री होंगे, साथ ही साथ स्पीकर भी बीजेपी का होगा। लगभग अब फॉर्मूला तय हो चुका है, धीरे धीरे तस्वीर साफ होती हुई सूत्रों के हवाले से यह बड़ी खबर। यतेंद्र हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। यतेंद्र, क्या ये फॉर्मूला लगभग अब लॉक हो चुका है? देखिए, बिल्कुल, सूत्रों का दावा यही है कि देर रात तो ये बातचीत चली है बीजेपी और जेडीयू नेताओं के बीच में, और ये फॉर्मूला लगभग तय हो चुका है कि नीतीश कुमार एक बार फिर से बिहार सरकार की कमान संभालेंगे। जो बीजेपी जेडीयू की जो सरकार एक बार फिर से बनेगी उसमें नीतीश ही मुख्यमंत्री चेहरा होंगे, लेकिन इसके साथ ही दो उप मुख्यमंत्री बीजेपी के बनेंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि इस बार जो विधानसभा अध्यक्ष बनेगा वो बीजेपी के कोटे से बनेगा। ये इस फॉर्मूले में साफ हो गया, यानी कि साफ है कि बीजेपी अपने हाथ में कंट्रोल चाहती है कि अगर फिर से पाला बदलने की कोशिश नीतीश करते हैं तो सब कुछ बीजेपी के कंट्रोल में रहे। तो इसी फॉर्मूले के तहत बीजेपी ने स्पीकर का जो पद है, जो स्पीकर की जिम्मेदारी है, वो अपने कोटे में ली है और दो उप मुख्यमंत्री बनेंगे। हालांकि अभी तक ये साफ नहीं हो पाया कि वो जो दो उप मुख्यमंत्री कौन बनेंगे। हालांकि जो गृह मंत्री अमित शाह के यहाँ जो परसों रात को बैठक हुई थी उसमें दोनों ही पुराने जो डिप्टी सीएम रहे थे, तारकेश्वर सिंह और रेणुका सिंह, उन दोनों को ही बुलाया गया था। तो माना जा रहा है कि वो दोनों भी हो सकते हैं, या फिर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान का जो फॉर्मूला यानी कि नए चेहरे, उस पर भी काम किया जा सकता है। अभी बीजेपी इस पर चर्चा करेगी। विनोद तांबड़े पटना पहुंच गए हैं और पटना वो सारे पार्टी पदाधिकारी हैं, सांसद हैं, विधायक हैं, उन सबसे चर्चा करेंगे दो दिन तक। और उसके बाद ऑफिशियल अनाउंसमेंट कब तक हो सकती है? देखिए, ऑफिशियल अनाउंसमेंट का मतलब है कल दोपहर के बाद कभी भी शपथ ग्रहण समारोह हो सकता है। जो विनोद तांबड़े हैं प्रभारी बिहार बीजेपी के, वो लगभग चर्चा कर रहे हैं सभी पार्टी पदाधिकारियों से, सांसदों से। उनसे चर्चा करने के बाद फीडबैक वो केंद्रीय नेतृत्व को देंगे और उसके बाद फैसला लिया जाएगा उस फीडबैक के आधार पर कि शपथ ग्रहण समारोह में बीजेपी की तरफ से वो दो कौन से चेहरे होंगे जो उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ लेंगे। जी, ये बड़ी अपडेट आपको बता रहे हैं और एक नाम सामने आ चुका है और नीतीश कुमार अब मुख्यमंत्री हो सकते हैं, लेकिन बीजेपी के दो डिप्टी सीएम होंगे, साथ साथ बीजेपी से ही विधानसभा स्पीकर भी होगा और